हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल, आज दिन का है भाई अपना तीसरा वीडियो। AKTU के लिए भी आपका जो काउंसलिंग के लिए जो एक होता है ना शेड्यूल आना, वो शेड्यूल नहीं आया लेकिन लिंक आ गया इसका भी भाई। यूपी टेक यानी जितनी भी यूपी के प्राइवेट कॉलेज, यूपी के सरकारी कॉलेज सारे, तो जो किसी बच्चे ने अगर MUT की काउंसलिंग नहीं करनी 2500 रुपये की वजह से, एक बच्चा कह रहा था मेरे 275 हैं, एक कह रहा 295 हैं, तो भाई जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं ना जो MUT की नहीं कर रहे, HBIT, भाई आपको यूपी टेक की काउंसलिंग जरूर करनी है। इसमें 10-12 तो यूनिवर्सिटी हैं, मैंने आपको यहाँ पे दिखा भी रखा है और मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये सारी यूनिवर्सिटी वैसे कई कई बार अलग अलग भी ले लेती हैं, बुंदेलगढ़ यूनिवर्सिटी झांसी, आचार्य नरेंद्र देवा यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर अयोध्या में है, जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर में है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा लखनऊ में, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी मेरठ, वीर बहादुर पूर्वांचल जौनपुर में, ठीक है, और लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ, और ये बेटे डॉक्टर राम रोहल लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या के अंदर। तो ये सारी यूनिवर्सिटी एक यूपी टेक काउंसलिंग से ही लेंगी बेटे। आपको इनकी एक बढ़िया परफेक्ट लिस्ट मेरे द्वारा आपको दी जाएगी, मेरे द्वारा एक बहुत बड़ी वीडियो आने वाली है, मे बी वो कल आए या परसों आए, लेकिन आज फिलहाल मैं आपको अपडेट देने से पहले ये बताना चाहता हूँ भाई, जो कोई भी आपका छोटा भाई बहन अगर CUET की तैयारी करना चाहता है CUET 2025 के लिए, तो भाई GCC की ये ऐप एप्लीकेशन का है और ये GCC की वेबसाइट है। आपको GCC की ऐप में आने वाले समय में ये तो मतलब डोमेन वाइज यानी 2999 का पूरा इंजीनियरिंग ड्राइंग, आप पूरा साल उसके अंदर सारे टेस्ट, उसके सॉफ्ट नोट, उसके लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर, वो सब आपको रहने वाला है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। ऐसे बेटे आपका सेम ऐसे ही आपका बेटे उसके लिए रहने वाला है, क्या कहते हैं, कंप्यूटर के लिए, जनरल टेस्ट के लिए और बेटे मैथमेटिक्स के लिए। अब मैं आता हूँ, क्या अपडेट है जी, अपडेट है जी ये, मैं उत्तर प्रदेश यूपी टेक एडमिशन डॉट NIC की वेबसाइट पे गया, हालांकि अभी कोई शेड्यूल नहीं आया, इसका भी वही कहानी है जो HBTU की है। लिंक आ गया यहां पे, आप देखिए CUET UG यानी लिंक बन चुका है। लिंक बनाने पे जैसे आप क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए नया एक खुल जाएगा भाई, कि भाई आपको रजिस्ट्रेशन करना है ना, रजिस्ट्रेशन के लिए admission.nic, इसका ये मैं आपको जरूर शेयर कर दूंगा, ये मैं अभी शेयर कर भी देता हूँ है ना, ये मैं अभी अपनी टेलीग्राम चैनल पे आपसे बात करते करते यहाँ शेयर भी कर देता हूँ। ये लो जी, ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो भी बनाया था जो कि MUT के कंप्लीट शेड्यूल के बारे में बताया गया था, ये वो वीडियो था, और उसके शेड्यूल को यहाँ पे डाला भी गया है बेटे, ठीक है, इसके शेड्यूल को यहाँ पे डाला भी गया हुआ है। अरे भाई नीचे ऊपर हो जा, कहाँ से होगा, यहाँ से होगा यार, ये यहाँ से होगा, ये आपको HBTU के बारे में भी बताया गया था, ये आपको दिख रहा है साइड में या नहीं दिख रहा, थोड़ा सा अपना मैं फोटो छोटा कर लेता हूँ भाई, तो सुबह से हम तो आपकी वेबसाइटें चेक कर रहे हैं, सवेरे से यही काम कर रहे हैं। और आपका काम क्या है, आपका काम है वीडियो को लाइक करना, इसको शेयर करना अपने दोस्तों को। तो ये MUT का था, HBTU का ये, इसके बाद काउंसलिंग शेड्यूल जैसे जैसे आते जा रहे हैं मैं डालता जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं ये कह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपने क्या करना है जी, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। मैंने जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक किया, न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे, सेम जैसा HBTU में मैंने आपको दिखाया था, सेम डिट्टो सेम एग्री करना है। उसके बाद जो आपका एप्लीकेशन नंबर है, आप एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, कैंडिडेट यहाँ पे मदर नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जैसे ही आप अपना जेंडर डालेंगे, और आप क्या करेंगे, जेंडर डालने के बाद ये सिक्योरिटी पिन जैसे ही डालेंगे बेटे, एक सेकेंड भाई मेरा लैपटॉप ना बंद हो जाए, तो बेटे मैंने चार्जर लगा लिया फटाफट से। यहाँ पे मैंने आपको बोला लॉगिन करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करो, तो ये विंडो खुलता है, न्यू रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप करेंगे, यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालेंगे, सबमिट करेंगे, तो सबमिट करने के बाद बेटे आपको इस तरह से आएगा, ये देखिए
सबमिट करने के बाद जैसे यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ जेंडर वो सब कुछ कर दिया, उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। आप जो भी मोबाइल डालेंगे यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालनी है, जो जैसे अपनी ईमेल आईडी है leadcoaching.com, यही वेबसाइट भी है जी हमारी, यही ईमेल आईडी है जी हमारी, वैसे info@leadcoaching.com है, ठीक है, gmail.com। मैंने ऐसी डमी ईमेल आईडी यहाँ पे बना दी, फिर यहाँ पे आप उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड, पासवर्ड के लिए बिल्कुल यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम पासवर्ड के लिए आते हैं तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये पॉपअप आ रहा है, देखो, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है पॉपअप, ये इस तरह से पॉपअप आपका भी आएगा। फिर कंफर्म पासवर्ड इसमें लिख रखा है कि 8 से 13 करेक्टर, ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो आप फटाफट कर लेंगे ये तो, ठीक है। आपने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे HBTU में लिंक आ गया है लेकिन शेड्यूल नहीं आया था, ऐसे ही मैं जाके HBTU में दोबारा भी जाके देखा कि कहीं शेड्यूल कहीं आया तो नहीं है, पब्लिक नोटिस में जाके देखा शेड्यूल तो नहीं है, तो यहाँ पे शेड्यूल का भी एक वो है, तो यहाँ पे तो कोई शेड्यूल नहीं है, तो यहाँ पे शेड्यूल का खोला तो यहाँ पे लिटिल एंट्री के लिए शेड्यूल नहीं है, यहाँ पे आपको लिटिल एंट्री के लिए शेड्यूल दिखेगा, है ना। तो ये शेड्यूल के लिए आपको मैं ये लिंक जो है मैं हाथों हाथ टेलीग्राम पे सेंड कर रहा हूँ, ताकि आप भी इसको बराबर चेक करते रहें, अगर कोई शेड्यूल आएगा तो यहीं आएगा। ऐसे उत्तर प्रदेश में भी ये जो अपना यूपी टेक है, इसमें सारे प्राइवेट कॉलेज, सारे गवर्नमेंट कॉलेज, सारी यूनिवर्सिटी सब इसी के अंदर है, तो भाई कोई सभी बच्चों के लिए, यूपी के सभी बच्चों के लिए किसका कितना भी स्कोर है, ये उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग करना मस्ट है भाई, ठीक है। यहाँ पे ये शेड्यूल वाली बात मैं कह रहा था, इसका भी शेड्यूल खोल के अपन देख लेते हैं कि इसमें शेड्यूल में तो नहीं आया कुछ भी, तो इसका शेड्यूल मैंने अभी ओपन करा है भाई, ये इसका शेड्यूल है, तो इसके शेड्यूल में ये चीज़ें आई हैं। हाँ, अंडरटेकिंग आ गया, तो ये अंडरटेकिंग आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। अंडरटेकिंग भी नहीं आया, सॉरी, मैंने अंडरटेकिंग पहले देखा था शायद, मतलब ये टेंटेटिवली CUT PG के लिए, MCA लेटरल एंट्री, तो यहाँ पे कोई भी BTEC लेटरल एंट्री या CUET UG के लिए शेड्यूल नहीं आया है, है ना। और वैसे भी BTEC का भी इन्होंने काउंसलिंग को पोस्टपोन कर दिया था, जो 12th की चॉइस फिलिंग होनी थी, वो भी यहाँ पे लिख रखा है चॉइस फिलिंग पोस्टपोन है, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि यहाँ पैरेली हमें दिखने लग गई हैं चीज़ें, तो अब सीट मैट्रिक्स में यहाँ पे लिखा हुआ विल बी अवेलेबल सून, नोटिसेस के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे कोई भी BTEC लेटरल एंट्री का कोई लेटेस्ट नोटिस नहीं है, तो इसके नोटिसेस वाले को भी मैं कॉपी करके आप लोगों के लिए टेलीग्राम ग्रुप पे ही पेस्ट कर रहा हूँ। तो देखो, मैं इस वीडियो में ये बेसिकली बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर देखो यार, GCC का रिजल्ट दिखाता हूँ पहले, तो कि भाई ये अपने अपने GCC का रिजल्ट है, है ना, जिसमें 250 से 300 में 37 बालक, 300 से 350 में 18 बालक, और 350 से 400 में 15 बालक, 400 से 450 में 13 बालक, 450 से 200 से 460 में भी 2 बालक दिख रहे हैं, ठीक है। ये वो हैं जो गूगल, जिन्होंने गूगल फॉर्म भरा है और कोई ना कोई रिकॉर्डेड से किसी ना किसी माध्यम से GCC में अटैच थे, तो मैं आपके लिए मेहनत बराबर कर रहा हूँ, बैक साइड में आपके लिए PPT इतनी तकड़ी रेडी कर दी है। मैं आऊँगा जी कल, कल या परसों आपको पूरी चॉइस ऑर्डर परफेक्ट UPTech, क्योंकि देखो MUT में ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, HBTU में ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन UPTech के अंदर भाई साहब आपका प्रॉपर काउंसलिंग का, कोई बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स है तो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, कोई मैकेनिकल से है तो उसके लिए ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपको बहुत हेल्प करने वाला है ये चैनल में भी, और हमारा एक्सपीरियंस भी आपको हेल्प करेगा। तो ये सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पे आपको दिखाने के लिए आया था कि ये लिंक आ गया जी, ठीक है, चाहो तो जाके रजिस्ट्रेशन कर दो, लेकिन बाकी अभी शेड्यूल आना बाकी है। HBTU का भी आज मैं वेट कर रहा था, शेड्यूल आएगा, HBTU का भी नहीं आया, और UPTech का भी, यानी मोटा मोटा ये मान के चलो कि एक दो दिन के अंदर सब कुछ पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो ये हमारी जो वीडियो की फ्रिक्वेंसी है तो फास्ट इसलिए है क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट है, प्यार है। नीचे लव यू सर लिखना मत भूलना, जय माता दी लिखना मत भूलना, और जो तुम्हारे क्वेश्चंस हैं वो ले लो, जो भी मैंने HBTU में डाला, नीचे आपके जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आंसर करूंगा, जितने MMUT में आपने डाले वो भी आंसर करूंगा, इस AKTU के नीचे भी जितने आप क्वेश्चन डालेंगे सबका आंसर आपको मिलेगा। तो CUET UG के लिए BTEC लेटरल एंट्री के रजिस्ट्रेशन का
आपको लिंक मैंने दिखाया वो ओके हो गया है, लेकिन अभी शेड्यूल आना बाकी है। शेड्यूल हम अपने इस टेलीग्राम चैनल पे डालेंगे सीयूईटी 2025 के लिए। जीसीसी का रिकॉर्डेड और लाइव बैच भी तैयार है आप लोगों को तैयारी कराने के लिए, ठीक है। तो भाई जल्दी से अपने जूनियर्स को भी बता देना कि भाई तैयारी करनी है तो जुट जाओ भाई साहब, ठीक है। थैंक यू सो मच लिसनिंग माई वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, शबा खैर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हजार बार बोल रहा हूँ कि भैया लाइक और शेयर जरूर करे करो अपने उन सारे दोस्तों को जिनको ये हेल्प मिल पाए, ठीक है जी।